मैं बात कर रहा था कंपेरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। तो ध्यान देना, जैसे आपने बैलेंस शीट देखा था सेम उसी तरह होता है, बस यहाँ पे नोट्स, एक मिनट, यहाँ पे आपका नोट्स के साथ साथ करेंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये रहा एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, जो भी आपका करंट और प्रीवियस ईयर होगा उसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। फिर परसेंटेज चेंज, यानी जो भी चेंज होगा उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का, और ये कंटेंट आपका वही है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आराम से देख लो और इसको नोट्स में बना लेना। बस इसमें थोड़ा सा कंटेंट शॉर्ट हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, असेट में नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। यहाँ देखो एब्सोल्यूट का फार्मूला है परसेंटेज का। दूसरा है कॉमन साइज इनकम, इसमें भी आपका प्रीवियस करेंट चेंज परसेंटेज ऑफ चेंज, ठीक है वही फार्मूला है।